अब ये देखो, ये आगे से गाड़ी की खाल है, बस धीरे धीरे हटाते हैं। तो देखो भाई, गाड़ी के ऊपर परत पूरी की पूरी। चलो तो गुड मॉर्निंग भाई लोगों, आखिरी दिन की मॉर्निंग हो चुकी है। सॉरी थोड़ी सी खांसी हो गई है मेरे को, मगर धूप निकल चुकी है। धूप निकलने के बावजूद मैं आपको बाहर के हाल दिखाता हूँ। वेट, ये देखो नीचे सारी स्नो ही स्नो स्नो ही स्नो, और यहाँ देखो देखो, देखे कोई कह सकता है कि ये पिघल सकती है इतनी जल्दी? उम्मीद है किसी को? तो बस भाई अब यहाँ से निकलते हैं, बस थोड़ी ही देर में कुछ खाते पीते हैं, भूख बड़ी तेज लग रही है। तो बस फिर आज मोस्ट प्रोबेबली चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ अगर टाइम से पहुँच गए ना तो फिर घर के लिए हिसार के लिए निकल जाएंगे, वरना फिर कल। ये देखो भाई, बर्फ़ निकलने का थोड़ा थोड़ा काम हो चुका है। उस बंदे को भी निकलना था ना, ये इसके नीचे खड़ी अपनी धनो, तो वहाँ से भी निकलना है। तो चलो बस निकलते हैं थोड़ी देर में। तो चलो भाई, मैं नीचे आ चुका अपना पूरा तैयार व्यार होके। बस अभी राहुल भाई का थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर भाई बर्फ़ की लेयर अभी तक नहीं हटी, मैं तो ये देख के हैरान हूँ। देखो ये देखो, बर्फ़ की इतनी मोटी परत और गाड़ी की हालत देखो, ऊपर तक पूरा का पूरा वही है। और ये देख लो भाई, बर्फ की कितनी लेयर है, यहाँ तक तो लेयर ही है सिर्फ और सिर्फ। ये देखो लगभग, बताओ भाई क्या ही हाल है। मगर कुछ मर्जी बोलो, नज़ारा देखने में बड़ा प्यारा है। ये अपना होटल, खैर होटल का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, ये नहीं कह सकते गंदा रहा, अच्छा था होटल। थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, बस उम्मीद करो धूप निकली रहे और हम टाइम से चंडीगढ़ पहुंच जाएं। बस ये देखो सिसु, आई एम बैक भाई। थोड़ा सा ये इग्नोर करना, बाल थोड़े से ऐसे हैं कि टोपी वगैरह की वजह से। और भाई दूसरी बात, नहाने की उम्मीद तो बिल्कुल मत मारना, ठंड बहुत ज़्यादा। ठीक है, हालांकि देखो धूप निकल रही है हल्की हल्की और साथ में चाय चल रही है थोड़ी थोड़ी। कुछ मर्जी बोलो, चाय के बस सुकून जो है बहुत बढ़िया। और अभी इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको पूरा होटल व्यू, क्योंकि कल मैंने दिखाया नहीं था। कल एक्चुअली परसों वही कैंप में सोए, उसके बाद गाड़ी में सोया, नींद पूरी नहीं हुई थी, तो कल सो भी जल्दी गया, कोई ब्लॉग एंड भी नहीं कर पाया, सॉरी उसके लिए। मगर हाँ, आज सारी चीज़ दिखा के उसके बाद ही निकलूँगा। तो देखो भाई, ये होटल के बाहर का नज़ारा है। कल हालांकि मैं आपको होटल दिखा नहीं पाया था, आज मैं आपको पूरा होटल दिखाता हूँ। ये अपना होपनोव आ गया सिसु, अब मैं होटल के अंदर एंटर करता हूँ। हालांकि भाई होटल अगर वैसे देखे तो बहुत प्यारा है, काफ़ी अच्छा बना रखा है। और ये बेचारा कुत्ता धूप सेक रहा है, तो उसको सेकने दो। और ये आगे होटल के अंदर एंट्री कर दे। ये लोगों बहुत प्यारा है ना होपनोव का। हाँ, ये हालांकि अभी गाने बज रहे थे, मैंने 2 मिनट के लिए पॉज करवाया। और इसमें पिक्चर देखो कितनी प्यारी प्यारी है। ये देखो ये सारी पिक्चर्स है, ये बैठने के लिए जगह है अगर किसी को यहाँ बैठ के कुछ खाना पीना है। ये देखो कोई अगर शो वगैरह हो सकता है तो उसके लिए। और ये देखो ये पूरी की पूरी सीनरी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये भाई अपने हेलो कर दो बस। और ये पूरी की पूरी वॉल है, सारे का सारा जो रिव्यूज आता है कस, ये सब लोगों ने लिखा हुआ है। और एक ये दीवार है, इसके ऊपर भी सारे के सारे रिव्यूज ही रिव्यूज। अंदर किचन आ गया और ये आ गया डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया के साथ साथ ये देखो, ये सारे पिक्चर्स, ये सारे 4-6 के फ्रेम लगा रखे, 4-6-5-7-6-8, काफी अच्छे अच्छे बोल रहे। और ये पूरा का पूरा सा रिकॉर्ड। और एक और है ये देखो, ये इस तरीके का। तो भाई बताओ होटल कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना।
तो भाई अब निकल चुके हैं रूम से, ये तो चलो समेट ही लेंगे, बाकी यहाँ से सारा सामान उठा लिया, ये तुम्हारा भाई आ गया, अब निकलते हैं चंडीगढ़ के लिए। बाहर का नज़ारा एक बार आखिरी बार भी देख ही लो। अरे धूप में ठंड नहीं लगती, वैसे ठंड लग जाती है। तो देखो भाई गाड़ी के ऊपर परत पूरी की पूरी। चलो भाई अभी सामान तो पूरा का पूरा अंदर सेट कर दिया, मगर अभी आगे से दिखाता हूँ गाड़ी के हाल। जस्ट एक सेकेंड, अब ये देखो ये आगे से गाड़ी की हाल है। बस धीरे धीरे हटाते हैं, ऊपर से वो मंगवाया भाई साफ कर रहे हैं ऊपर से, उनसे चार मंगवाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट रखेंगे, उसके बाद निकलेंगे चंडीगढ़ के लिए।